हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है? कंप्यूट द फॉलोइंग सम। चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट नंबर सम फाइंड करना है, चलिए देखते हैं। दिया हुआ है यहाँ पर मैट्रिक्स, देखिए 3 -2 1 4 और फिर प्लस में है यहाँ पर -2 4 1 3। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे ना। तो यहाँ देखो 3 + -2 - 2 + 4 फिर आपका हो जाएगा 1 + 1 और 4 + 3, ऐसे ही ना ऐड करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ आ जाएगा ऊपर 1, यहाँ पे आपका 2, यहाँ आपका 2 और यहाँ पर आपका 7। ये आपका सम हो गया। अब चलिए इसका सम देखते हैं। सेकेंड नंबर में यहाँ पे दिया है, देखिए मैट्रिक्स दिया है 3x3 ऑर्डर का, दोनों है। देखिए 2 1 3 फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है इसका 0 3 5, थर्ड रो है -1 2 5 और ऐड करना है दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे 1 -2 3 2 6 1 0 -3 1। अब चलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 + 1। शुरू में हम लोग एक एक को लिख के चल रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी ऐड करके लिख देते। अभी आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 - 2 3 + 3, फिर आपका हो जाएगा 0 + 2 3 + 6 5 + 1, फिर आपका हो जाएगा -1 + 0 2 + -3 और फिर आपका हो जाएगा 5 + 1। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड निकालेंगे तो इनका। चलिए 3 - 1 6, फिर आपका यहाँ होगा 2 9 6, -1 - 1 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। लेट ए बी सी, देखिए तीनों तीन मैट्रिक्स दिए हैं और तीनों का ऑर्डर सेम है, देख रहे हैं ना जी, यहाँ 2x2 ऑर्डर है सबका। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए निकालते हैं फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर में दिया है 2a - 3b क्या वैल्यू, तो देखो 2 * में मैट्रिक्स से क्या वैल्यू लिख दो 2 4 3 2, -3 मैट्रिक्स बी लिख दो यहाँ पर 1 3 - 2 5, यही ना है। चलिए अब यहाँ पे ये जो स्केलर क्वांटिटी देख रहे हैं, पहले इनसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई तो ये हर एक एलिमेंट में करेगा। यहाँ 4 आपका 8, यहाँ 6, यहाँ पर 4, माइनस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3 9 - 6 और 15। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो 4 - 3 8 - 9 6 - -6 और यहाँ 4 - 15 क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो तो 1 - 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 आ जाएगा और यहाँ पर -11, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब इसके सेकेंड नंबर पे। चलिए सेकेंड नंबर में दिया हुआ है आपका b - 4c, तो मैट्रिक्स b लिखो 1 3 - 2 5 और -4 * में मैट्रिक्स सी देखो -2 5 3 4, यही ना है जी। चलिए अब इसके बाद देखो ये मैट्रिक्स ऐसे ही लिखते हैं 1 3 - 2 5 और यहाँ जो स्केलर क्वांटिटी है इसमें सबसे मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो -8 20, फिर आपका यहाँ 12 और यहाँ 16। अब सब्ट्रैक्ट करना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 1 - -8 3 - 20, ठीक है ना, -2 - 12 और फिर आपका 5 - 16। चलिए सॉल्व करने पे, तो यहाँ यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 9 आ जाएगा, यहाँ -17, यहाँ पे -14 और यहाँ -11, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब इसका थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में दिया है 3a - c, 3 a का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 2 4 3 2 और c का वैल्यू यहाँ पर क्या है -2 5 3 4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसमें 3 से हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 12 9 6 और माइनस यहाँ पर क्या है आपका ये मैट्रिक्स -2 5 3 4। चलिए अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है ना जी, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, तो 6 - -2 फिर आपका 12 - 5 फिर यहाँ हो जाएगा 9 - 3 6 - 4, क्या आ जाएगा यहाँ माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें
चलिए अब इसका फोर नंबर लिखते हैं। फोर नंबर में है आपका 3a - 2b + 3c, यही ना है जी। चलिए देखते हैं इसके वैल्यूज को। 3a का वैल्यू यहाँ पे रखो 2, 4, 3, 2 -2। b का वैल्यू यहाँ पे रखो 1, 3 - 2, 5 +3। c का वैल्यू यहाँ पे रखो -2, 5, 3, 4। चलिए अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 12, 9, 6 -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2, 6 - 4 और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपका हो जाएगा -6, 15 फिर आपका हो जाएगा 9 फिर आपका हो जाएगा यहाँ 12। चलिए तो इन दोनों को ऐड करना है और इसको सबट्रैक्ट करना है। तो देखो एक ही साथ सबको कर लेते हैं, 6 - 2 और प्लस का -6 हो जाएगा, समझ गया ना। 12 - 6 और प्लस का 15 हो जाएगा, 9 - -4 और प्लस का 9 हो जाएगा, 6 - 10 और प्लस का 12 हो जाएगा। या तो आप इसको प्लस करके तब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, या तीनों को एक साथ भी ऐसे कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, या माइनस है वहाँ माइनस कर देंगे। चलिए देखिए क्या होगा। यहाँ देखो -6 + 6 कर जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पर देखो 12 में से 6 गया 6 और 6 और 15 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 4 आपका हो जाएगा 13 और 13 और 9 आपका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा ना 22। अच्छा यहाँ देखो यहाँ 12 और 6 18 और 18 में से 10 गया तो आपका 8 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ देखिए ए बी सी ये 3 मैट्रिक्स दिए हमें, इनको फाइंड करना है। यहाँ पहले देखो तो ये ए मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, ये दोनों सेम ऑर्डर के, ये सेम ऑर्डर का नहीं है। ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के है, 2x3 ऑर्डर के है, लेकिन ये 2x2 ऑर्डर का है। तो पहले पूछ रहा फर्स्ट नंबर में कि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी तो एग्जिस्ट नहीं ना करेगा, क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम नहीं है, तो इन दोनों का ऐड तो नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा बी प्लस सी पूछ रहा है, तो बी प्लस सी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। चलिए इनको ऐड कर देते हैं। बी मैट्रिक्स यहाँ -1, 0, 2, 3, 4, 1 और सी मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास, देखो -1, 2, 3, 2, 1, 0। चलिए इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं इस बार। माइनस का 2, 2, 5, 5, 5, 1 ये आपका आ जाएगा, समझ गए। चलिए अब इसके बाद देखिए, फिर आगे कह रहा है कि 2b + 3 है, तो यहाँ भी देखो a और b मैट्रिक्स आ गया, तो यहाँ पे यहाँ 2 से जब स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर जो था b मैट्रिक्स का वही 2b का भी ऑर्डर होगा, यानी 2x3 ऑर्डर होगा, और 3a का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3a का ऑर्डर 2x2 होगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं ना करेगा, क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम नहीं है, तो हम लोग सम कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए लिख देंगे कि 2b + 3a डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा यहाँ पे 3c - 4b, तो ये दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए ये भी एग्जिस्ट करेगा, 3c - 4b। 3c का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं -1, 2, 3, 2, 1, 0 और माइनस का 4b का वैल्यू यहाँ पर देखो -1, 0, 2, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 3, 4, 1। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3, 6, 9 यहाँ पर 6, 3, 0 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा माइनस 4 से इसमें मल्टीप्लाई करें, -4, 0, 8, 12, 16, 4 अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 3 में से -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3 है, 3 में से -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस में प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा ना। यहाँ पे 6 आएगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 आ जाएगा,
यहाँ 6 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 6, 3 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 13, 0 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आप फोर नंबर। यहाँ देखिए ए बी सी 3 मैट्रिक्स दिए हैं और तीनों का ऑर्डर सेम है, हमें क्या निकालना है, हमें कंप्यूट करने के लिए कह रहा है 2a माइनस 3b प्लस 4c। जैसे 2 a का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं माइनस 1 0 2 3 1 4, माइनस 3 b का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 0 माइनस 2 5 1 माइनस 3 1, ठीक है। चलिए और फिर प्लस 4 c का वैल्यू यहाँ पर 1 माइनस 5 2, थोड़ा कम स्पेस है इसी में मैं एडजस्ट करके लिखूंगा 1 माइनस 5 2, ध्यान से देखिएगा, और फिर है आपका 6 0 माइनस का 4। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस का 2 0 4 6 2 8, ठीक है। यहाँ देखिए 3 से सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 6 15, फिर आपका होगा 3 माइनस 9 3, इसमें 4 से हर एक में मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस का 20 8, फिर आपका 24 0 माइनस का 16, ठीक है। अब देखिए पहले हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं या पहले इसको इसको ऐड कर लेते हैं या सबको एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ना हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट ही कर लेते हैं, इसके बाद इसको ऐड कर देंगे या इसको इसको ऐड करके फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोई भी काम कर सकते हो। यहाँ पर देखो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2, यहाँ देखो 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का 6 तो माइनस प्लस 6 हो जाएगा ना, 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है 15 तो माइनस का 11 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर 2 में से माइनस 9 को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ 11 आ जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है 5 आ जाएगा, और प्लस में यहाँ है 4 माइनस 28 24 0 माइनस का 16, तो क्या आ जाएगा आप यहाँ से ऐड करोगे तो यहाँ 2 माइनस का 14, फिर आपका हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ 27 11 और फिर माइनस का 11, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइव नंबर। इफ ए बी सी, यहाँ 3 मैट्रिक्स दिए हैं और तीनों डायगोनल मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, देख रहे हैं ना 3x3 ऑर्डर का ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हमें इन सबको फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं फर्स्ट नंबर में ए माइनस टू बी, आप चाहो तो इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में उस तरह से लिख सकते हो, डायगोनल को हटाकर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो या फिर हम लोग ऐसे भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ऐसे ही रहने देते हैं, आंसर भी आपका इसी तरह दिया होगा। डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ए का वैल्यू मैं लिखता हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल वाले एलिमेंट यहाँ हैं 2 माइनस 5 9, माइनस 2, फिर बी का मैट्रिक्स देखते हैं क्या है, बी एक डायगोनल मैट्रिक्स है और इसके डायगोनल वाले एलिमेंट 1 1 माइनस 4 है, तो देखो यहाँ है आपका डायगोनल मैट्रिक्स 2 माइनस 5 9, इसके डायगोनल वाले एलिमेंट और ये 2 इन सबसे ये स्केलर सबसे मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स 2 2 माइनस 8, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें क्या मिलेगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगा और उसके डायगोनल वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 माइनस 7 और आपका कितना हो जाएगा वहाँ 17, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा सेकेंड में क्या कह रहा है, बी प्लस सी माइनस 2a, चलिए इसके लिए देखते हैं, तो बी मैट्रिक्स देखिए डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल वाले एलिमेंट है 1 1 माइनस 4, प्लस सी क्या है आपका डायगोनल मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल वाले एलिमेंट है -6 3 4, ठीक है, और फिर आपका -2, फिर ए भी डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल वाले एलिमेंट क्या है 2 माइनस 5 9, चलिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा, -5 आएगा इसका एलिमेंट, डायगोनल वाला एलिमेंट -5 4 और 0 हो जाएगा, -5 4 और 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये 2 इन सबसे मल्टीप्लाई करेगा तो डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे इस मैट्रिक्स के 4 माइनस 10 18, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है
तो हमें एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा जिसके डायगोनल वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे, माइनस का 9 प्लस का 14 माइनस का 18, ये आपका आंसर हो गया, समझ गया। चलिए आगे देखते हैं इसका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में है 2a प्लस 3b माइनस 5c। चलिए देखते हैं 2a के जगह पे यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स लिखेंगे जिसका डायगोनल वाला एलिमेंट है 2 माइनस 5 9 प्लस 3। बी के जगह पे डायगोनल मैट्रिक्स है क्या है 1 1 माइनस 4 माइनस 5। सी के जगह पे डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है माइनस 6 3 4। चलिए अब ये स्केलर से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसके डायगोनल वाले एलिमेंट हो जाएंगे 4 माइनस 10 18, ठीक है। चलिए और यहाँ पर देखो, यहाँ भी हमें एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा जिसका डायगोनल वाले एलिमेंट होंगे 3 3 माइनस का 12। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा जिसका डायगोनल वाला एलिमेंट हो जाएगा माइनस का 30 15 20, यही ना हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा जिसके डायगोनल वाले एलिमेंट होंगे 7 माइनस का 7 और 7, यही ना हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आएगा तो आपका 6 होगा, 7 नहीं 6 हो जाएगा, 6 18 है यहाँ, 12 है, मुझे लगा ये 11 है। चलिए उसके बाद माइनस में है डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल वाला एलिमेंट है माइनस 30 15 और 20। चलिए यहाँ सबट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे हमें एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा जिसके डायगोनल वाले एलिमेंट, देखो यहाँ माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 37, ठीक है। माइनस 7 और माइनस का 15, माइनस 7 में से 15 सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 22 हो जाएगा, 6 में से सबट्रैक्ट करेंगे 20 तो आ जाएगा माइनस का 14, यही ना हो जाएगा। तो यही ना हमें फाइंड करना था, हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर तीन मैट्रिक्स दिए हैं और तीनों का ऑर्डर हम लोग देख रहे हैं 3x3 ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, हमें ये वेरीफाई करके दिखाना है। ये देख रहे हैं ना, ये एसोसिएटिव लॉ को हमें वेरीफाई करना है। चलिए हम सिंपली आप क्या करेंगे, इसका LHS लेंगे, दिया है ए प्लस बी और फिर प्लस सी, यानी कि ए बी को पहले ऐड करना है फिर सी को ऐड करना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग इनके वैल्यूज को रखते हैं। ए मैट्रिक्स देखिए, यहाँ पर है आपका 2 1 1 3 माइनस 1 0 0 2 4। प्लस में मैट्रिक्स बी देखिए, मैट्रिक्स बी ये रहा 9 7 माइनस 1 3 5 4 2 1 6, ठीक है। और इस ब्रैकेट को बंद करके और सी मैट्रिक्स जो है इसको लिखते हैं प्लस में 2 माइनस 4 3, ठीक है। फिर आपका है 1 माइनस 1 0, फिर आपका है 9 4 5, ठीक है। अब इन दोनों को पहले ऐड करना होगा तो पहले ऐड करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 11 फिर आपका 8 फिर आपका 0, यहाँ आ जाएगा 6, फिर यहाँ जो ऐड करेंगे तो 4 4 2 3 10, और प्लस में ये आपका मैट्रिक्स सी जो था 2 माइनस 4 3 1 माइनस 1 0 9 4 5। चलिए अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 4 3, फिर आपका हो जाएगा यहाँ 7 3 4 11 7 15। अब इसका RHS लेते हैं, RHS में क्या है आपका, RHS में दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी। चलिए अब इनके वैल्यूज को रखते हैं, मैट्रिक्स a का वैल्यू यहाँ रखते हैं 2 1 1 3 माइनस 1 0 0 2 4, ठीक है। और फिर इसके बाद प्लस देकर ब्रैकेट देते हैं और यहाँ पे मैट्रिक्स b प्लस सी, तो b का मैट्रिक्स वैल्यू देखो क्या दिया है 9 7 माइनस 1 3 5 4, ठीक है। और फिर आपका है 2 1 6 प्लस में
मैट्रिक्स सी क्या वैल्यू देखो, 2 माइनस 4 3, ठीक है, और फिर है आपका 1 माइनस 1 0, 9 4 5, ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, बी और सी वाले को, इसको वैसे ही रखेंगे। 2 1 1 3 माइनस 1 0, 0 2 4, और प्लस में इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो, 11, फिर आपका हो जाएगा 3, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, फिर आपका यहाँ भी आ जाएगा 4, फिर यहाँ भी आ जाएगा आपका 4, 11, 5 और यहाँ पर 11। चलिए अब देखिए इसके बाद इन सबको जोड़ेंगे, इन दोनों को, दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 13 4 3 7 3 4 11 7 15, ये मैट्रिक्स देखो और ये मैट्रिक्स देखो, दोनों सेम आ गया ना, आ गया ना सेम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है ए प्लस बी प्लस सी के, ये हमने वेरीफाइड कर दिया, ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड मैट्रिक्स एक्स एंड वाई, यहाँ एक्स और वाई क्या है, मैट्रिक्स है, इनको हमें फाइंड करना है। यहाँ देखो ना ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू में दिया है मैट्रिक्स, देखो क्या है 5 2 0 9, और दूसरा मैट्रिक्स दिया है एक्स माइनस वाई इक्वल टू में 3 6 0 माइनस 1, एज इक्वेशन इसे फर्स्ट और एज इक्वेशन इसे सेकेंड। यहाँ देखो ना ऑलरेडी ये प्लस माइनस में है, कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल टू में, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, ऐड करेंगे ना जी 5 और 3 8, जैसे हम लीनियर इक्वेशन को बनाते थे ना क्लास 10 में, उसी तरह से है यहाँ पे 8 0 8, ये 2 जाएगा तो हर एक एलिमेंट में डिवाइड होगा, तो हर एक एलिमेंट में डिवाइड होगा, कहने का मतलब इधर के ये 1/2 हो जाएगा, समझ ना बात को, तो ये 1/2 अब मल्टीप्लाई करने का मतलब ये ना कि हर एक एलिमेंट में 2 से डिवाइड कर देना, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा मैट्रिक्स 4 4 0 4, तो ये x का वैल्यू होगा। अब y क्या निकालने के लिए, तो x का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या है इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू में देखो मैट्रिक्स क्या दिया है ऊपर, यहाँ पर है आपका 5 2 0 9 5 2 0 9, चलिए यहाँ पे x की जगह पे पुट कर देते हैं, तो x की जगह यहाँ रखते हैं 4 4 0 4, और प्लस y इक्वल टू में यहाँ पे है 5 2 0 9, क्या करेंगे इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, चलिए तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू में 5 2 0 9 माइनस 4 4 0 4, अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या जाएगा 1 माइनस 2 0 5, ये आपका आंसर हो जाएगा y का, और x का हमने ऊपर निकाल दिया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर क्या करा, फाइंड x इफ y क्या, देखो y यहाँ एक मैट्रिक्स दिया है, क्या दिया है यहाँ पर देखो 3 2 1 4, और यहाँ पर दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू में 1 0 माइनस 3 2, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, x का वैल्यू निकाल लेना, तो यहाँ पे मैट्रिक्स y के वैल्यू पहले रख दो, 2x प्लस वाई के लिए यहाँ पे 3 2 1 4 रख देते हैं, और ये उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 0 माइनस 3 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2x इक्वल टू में 1 0 माइनस 3 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 2 1 4, चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो यहाँ से 2x इक्वल टू में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4, और फिर यहाँ माइनस का 2, चलिए ये 2 जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 1/2, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2, 1/2 सब में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ माइनस 1 माइनस 1
माइनस टू माइनस वन, ये आपका मैट्रिक्स हो गया, एक्स का वैल्यू आ गया, समझ गए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।